भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज शामली में मीटिंग की गई है, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल जी मेरे साथ मौजूद है। सीधी उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज 24 के साथ। भारत जोड़ो यात्रा शामली में 5 तारीख में पहुंचेंगी, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां की गई हैं? पूरी तैयारी है और आपके शामली के साथियों से बैठक हो गई है। सारे लोग मिल करके राहुल जी के स्वागत के लिए तैयार हैं, बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और इस यात्रा का स्वागत करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि भाई हमको दुश्मन को हराना है, जितने भी लोग हो सब इकट्ठा हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश से यात्रा निकलेगी, तो दुश्मन किसको माना जा रहा है ऐसे राजनीति में? आपको पता नहीं है? आप बताइए, जो सर जाने, जो नफरत फैलाता वही दुश्मन होता है। भारतीय जनता पार्टी देश का के अंदर नफरत फैला रही है, हर व्यक्ति को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। देश के जो सत्यानाशी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, इसलिए हम सब मिल करके उसे हराने का काम करेंगे। अध्यक्ष जी, एक तरफ तो राहुल जी कहते हैं कि मैं यात्रा लेकर के निकला था, मुझे कहीं भी नफरत का माहौल देखने को नहीं मिला। अगर बीजेपी नफरत फैला रही है तो फिर नफरत वाले उनको रास्ते में क्यों नहीं मिले हैं? नफरत वाले दिखाई कम देते हैं, वो रात में निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, वो अपना नकाब पहन के निकलते हैं नफरत फैलाने वाले। उनमें से अभी आपने पार्लियामेंट में देखा होगा नकाब पहन के, कोरोना के नाम पे वो नफरत फैला रहे हैं। हमारे साथ चलने वाले थोड़ी नफरत फैलाएंगे, वो हमारे साथ तो प्यार बांटने वाले लोग चलेंगे। जी, अभी आप कोरोना के बारे में बता रहे हैं, कोरोना के लिए एडवाइजरी जारी हुई थी, उसमें आप क्या कहेंगे? जो चिट्ठी आप लोगों के लिखी गई, एक भी साथी आपका अगर मास्क लगाए या एडवाइजरी मानता नजर आ रहा हो तो मुझे भी मानना चाहिए। कहीं कुछ नहीं है, केवल राहुल गांधी जी की यात्रा से जो देश जुड़ रहा है। कोरोना के बहाना एक अंतिम बहाना था कि कोरोना के बहाने हम राहुल जी को रोक लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। एक आखिरी सवाल के, जो अखिलेश जी हैं और जयंत जी हैं, उन लोगों को साथ नहीं बुलाया गया? सारे लोगों को नौता दिया है, सारे लोगों को दिया है, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सबको नौता देना। किसको आना किसको नहीं जाना ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मायावती जी ने, अखिलेश जी ने मना कर दिया, जयंत जी को नौता नहीं दिया गया, कहीं ऐसे राजनीति आपको बताया उन्होंने? सबको चल रहा है कि भाई जिन लोगों को दिया गया उन्होंने मना ले। कौन है? हमने बात किया है, वो अपनी सलाह दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। आना ना आना अलग बात है, आपके यहाँ शादी है, हम नहीं आ पा रहे। हमने फोन पे बात करके आपको कह दिया, बोले हमारी शुभकामनाएं हैं, हम आगे पीछे आ जाएंगे, आज हम नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या आप मानोगे नहीं? समर्थन दिया है, अच्छा काम बताया है राहुल जी ने, बहुत अच्छा काम किया है देश को जोड़ने के लिए, हमारी शुभकामनाएं, ये सारे नेताओं ने कहा है भाजपा छोड़ करके। देखिए, ये मेरे साथ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल जी, जिन्होंने बताया कि केवल बीजेपी जो पार्टी है वो दुश्मन, इनको ये दुश्मन मानते हैं उस पार्टी को, इसलिए उनको किसी भी भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रण नहीं किया गया है। बाकी जितनी भी राजनीतिक पार्टी है सबको इन्होंने आमंत्रित किया है। कुछ पार्टियां आई भी है या नहीं आई है, लेकिन उनमें साफ तौर से इनका यही कहना है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने उनको आमंत्रण दिया था। शर्मा, न्यूज 24।